हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक डिटरमिनेंट का और क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। अब आप थोड़ी देर के लिए स्टॉप योर वीडियोस एंड इसके बारे में सोचो कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। बच्चों इधर देखो, अब आपने अपनी वीडियो जो है ऑन कर दी होगी, तो ये क्वेश्चन है आपका 1 + x × x + 1 और दूसरा जो है आपका रो के अंदर है 2x × x − 1 × x × x + 1 और 3x × 1 − x × x − 1 × x − 2। तो अब इस वीडियो को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे ना सॉल्व किया जाए, अब आप मुझे बताइए हाउ वी कैन सॉल्व इट। बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो बच्चों, अब क्या सोच आ रही है आप लोगों की। अब देखो बच्चों, बच्चे सोच रहे हैं कि एक्स जो है सेकेंड कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस वन सेकेंड थर्ड कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छी सोच है, बिल्कुल सही सोच है। और आर टू में से भी एक्स कॉमन ले सकते हैं और एक्स माइनस वन जो है बच्चों थर्ड में से भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड में से भी क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, तो ये एक्स माइनस वन है इधर, क्या है ये एक्स माइनस वन और उधर क्या है एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब सोचो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अब कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो अब आपको मैं दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब बच्चों मैंने आर टू में से एक्स कॉमन ले लिया और आर थ्री में से क्या कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, एक्स भी कॉमन ले सकता हूँ और एक्स माइनस वन भी कॉमन ले सकता हूँ। और इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेटर रहे। तो इधर देखो बच्चों, ये आया आपका वन, ये आया x और ये क्या आया x प्लस वन। एक्स यहाँ से कॉमन लिया टू, ये क्या आ गया बच्चों x माइनस वन और ये क्या आ गया x प्लस वन। इसमें से जो मैंने कॉमन लिया था x इंटू एक्स माइनस वन कॉमन लिया था, तो यहाँ पे माइनस थ्री बच जाएगा बच्चों, ध्यान रखना माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, और ये क्या रह गया x माइनस टू और ये क्या रह गया बच्चों x प्लस वन। यहाँ तक बात समझ आती है आप लोगों को या नहीं आती। और अब इसके सिमल्टेनियसली यदि आप कॉलम में से कॉमन लेते तब क्या होता, वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। अब बच्चों नजर आ रहा है आपको कि x प्लस वन और कॉमन आएगा, तो ये आपका एक्स स्क्वायर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये आ गया आपका वन टू माइनस थ्री, ये आ गया x x माइनस वन x माइनस टू वन वन वन। यहां तक बात आप लोगों को समझ आ रही है। अब आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को आदत है कि वंस या तो रो में मिले या फर्स्ट कॉलम में मिले या फर्स्ट रो में मिले, तो अब आप इसे इंटरचेंज कर लीजिए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और ये आपको मालूम है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक माइनस आपका बाहर था ताकि वो हमने इंटरचेंज किया है। तो ये आपका क्या आ गया वन 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 और ये आपका नेक्स्ट आ गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये वन टू और माइनस थ्री। तो ये दो R1 और R3 को हमने बच्चों क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया C1 और C3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज, और इसलिए बाहर भी क्या आ गया बच्चों माइनस आ गया। तो ये माइनस को तो मैंने ठीक कर दिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप लोगों को मालूम है कि जब भी वंस आपको कॉलम में मिल जाते हैं तो यू हैव टू ऑपरेट इन रो, तो उसको एक साथ ऑपरेट कर सकते हो, तो आर टू माइनस आर वन और आर थ्री की जगह क्या हो जाएगा आर थ्री माइनस आर वन, ये वन ये x, ये 1, 1 माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस एक्स, टू माइनस वन वन माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस वन। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये आपका सारा का सारा कैंसिल हो गया। अब ये x से x चला गया, इधर भी x से x चला गया और ये एक बाहर माइनस था तो इसको मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया, ये आपका माइनस वन माइनस टू, ये आपका वन हो गया, ये माइनस फोर। अब आप लोगों को मालूम है कि ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फोर प्लस टू, तो हमारा आंसर आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब बच्चों इसको दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करते हैं और इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर अब कॉलम से कॉमन लेते हैं, किसमें से कॉमन लेते हैं कॉलम में से, तो देखो उसके अंदर कितनी मुश्किल होती है या नहीं होती। तो जो भी ऑपरेशन है या जो भी सोच है वो एग्जाम से बाहर ही आप देख सकते हैं,
घर में बैठ के जितना ज्यादा देखेंगे उतना बढ़िया है। अब बच्चों कॉलम में से कॉमन लिया, तो मेथड टू देखते हैं बच्चों। तो एक्स कॉमन आया, दूसरे में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, फिर एक्स कॉमन आएगा और तीसरी कॉलम में से क्या कॉमन आएगा, एक्स प्लस वन। तो जी वन टू थ्री वन माइनस एक्स, इधर से आपका क्या कॉमन आया था, एक्स एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस टू। जी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और इधर से क्या है कॉमन आया, एक्स प्लस वन, वन एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो बच्चों ये यहाँ पर वन वन आ गए, लेकिन अब और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती या थोड़ा सा भी आप चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचना है कि कहाँ पर ज़्यादा कॉमन आ सकता है। तो रो में से जब हम ले रहे थे तो ज़्यादा कॉमन आ रहे थे, कॉलम में से इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, तो आगे क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल सा बन सकता है। तो इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन करें तो आपने एक कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन लिया जाए। अब आपके वंश जो हैं बच्चों कहाँ पर हैं, रो के अंदर हैं, और आपको ऑपरेट किसके अंदर करना है, कॉलम के अंदर करना है। तो अब कैसे ऑपरेट करेंगे बच्चों, सी वन को फिक्स करेंगे, सी टू माइनस सी वन और सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन। तो ये आ गया आपका वन टू थ्री वन माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। ये वन माइनस वन हो गया, एक्स माइनस वन माइनस टू, ठीक है। और ये आपका आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स। देखो ये वेरिएबल्स कितने ज़्यादा तंग करेंगे अब आप लोगों को। ये आ गया वन माइनस वन, ये एक्स माइनस टू, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स। ये बात समझ आती है नहीं आती? अब ये आपका बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, पक्की बात है। अब आपको एलजेब्रा काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, और ये आपका है एक्स माइनस थ्री, और इधर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और इधर आया बच्चों एक्स माइनस टू, और इधर जो आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही बच्चों अच्छी तरह, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों इसके फैक्टर्स करके देखो कि फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, क्या चाहिए बच्चों हमें चेक क्या चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, थ्री चाहिए, और मुश्किल हो जाएगा फैक्टर्स करना थोड़ा सा। और इसके अंदर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स इसके हो सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है, सम टू एक्स आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या आया बच्चों, एक्स माइनस टू। इधर देखो बच्चों कहीं गलती तो नहीं की आप लोगों ने, तो ये था बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है। ये माइनस थ्री हो गया प्लस थ्री एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री आ रहा था, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कैसे होंगे बच्चों सोचे जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स थ्री एक्स माइनस टू एक्स करेंगे नहीं जाएगा, तो ये जी टी सी रखना पड़ेगा बच्चों। तो अब देखो बच्चों थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा गड़बड़ होना कितना आपके लिए सोचने वाला काम बढ़ गया। और इधर आप सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो एक्स प्लस थ्री माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री आएगा। तो इसको एलजेब्रा को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब तक जाके आप इस रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो आपने देखा कि यदि हम जो कॉमन लेने वाला तरीका है यदि वो प्रॉपर वे से नहीं लेते तो कितनी बुरी वे से फंस जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉलम से कॉमन लिया तो जो हमारे लिए एक एलजेब्रा एक डिफिकल्ट काम हो गया, और यदि वही चीज़ हम रो में से कॉमन ले रहे थे तो वो हमारे लिए आसान हो गई थी। यहाँ से एक्स कॉमन आ गया था रो के अंदर, और इधर एक्स और वन एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, तीन चीज़ें कॉमन आ गई थी। तो यहाँ पर भी तीन चीज़ें कॉमन आई हैं, लेकिन वो और फिर उसके बाद कॉलम में से भी कॉमन आ रहा था। तो जब भी आप कॉमन लेने लगें तो दोनों तरफ आपने एडजस्टमेंट करके देख लेनी है कि रो से लिया जाए या कॉलम से लिया जाए। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है। थैंक यू वेरी मच।